इस वक्त की बड़ी खबर सबसे पहले आपको दे दें। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं ने भारतीय लोकतंत्र मुर्दाबाद के नारे लगाए। इसके साथ ही कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं ने मोदी डेमोक्रेसी हाय हाय के नारे भी लगाए। ये सभी नेता इस बात से नाराज हैं कि अनंतनाग में लोकसभा उपचुनाव की तारीख क्यों बदली गई। दोनों पार्टियों के नेताओं ने अनंतनाग में डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में पहुंचकर नारेबाजी की। नारेबाजी के वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक अल्ताफ कुल्लू, अफजल मजीद और कांग्रेस विधायक उस्मान मदीद मौजूद थे। सवाल यह है कि कांग्रेस के ये कैसे नेता हैं जो अपने देश के लोकतंत्र के खिलाफ ही नारेबाजी कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं। तो आप सुन रहे हैं ये किस तरह से नारे लगाए जा रहे हैं देश के लोकतंत्र के खिलाफ। और इसी पर बातचीत करने के लिए इस वक्त कांग्रेस नेता ताज मोहिउद्दीन हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। मोहिउद्दीन जी, ये क्या हो रहा है? देश के लोकतंत्र के खिलाफ ही इस तरह की नारेबाजी, ये शोभा देती है क्या? मैं आपसे कहूँ कि शोभा इसलिए देती है कि जब मजबूर हो जाए, जब डेमोक्रेसी कैजुअल्टी बन जाए, वो कश्मीर में होता है। यानी हम पूरी तैयारी कर चुके थे, अगर पीडीपी कमजोर है, अगर वो उन पर पत्थर पड़ते हैं, तो वो अपनी कमजोरी छुपाने के लिए इलेक्शन कमीशन का सहारा लेते हैं। मेरी इससे पहले डिप्टी इलेक्शन कमीशनर से मुलाकात हुई थी कश्मीर में, उनसे मैंने कहा था कि आपको जब सर्टिफाई किया कि कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर है इलेक्शन करवाने की। मोहिउद्दीन जी, कोई शिकायत अगर होती है तो आप उसे उचित फोरम पर उठाएंगे ना? आप देश के खिलाफ तो नारेबाजी पर नहीं उतर आएंगे? जी, जब आप मजबूर करते हैं, कल रात को बिफोर द इलेक्शन जब पोस्टपोन नहीं हुआ था, हमारे जितने भी एजेंट थे उन सबको गिरफ्तार कर दिया गया। हमने सीईओ को इन्फॉर्म किया, हम इलेक्शन कमीशन को नेट पे नहीं जा सकते थे क्योंकि नेट तो बंद कर दिया था हमने, मगर हमने चीफ इलेक्ट्रल ऑफिसर को, हमने आईजी पुलिस को, हमने जो रिटर्निंग ऑफिसर है उनसे कहा कि क्या हो रहे हैं। कहते हैं जी हम सिक्योरिटी के लिए कर, सिक्योरिटी के लिए क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के ही ये मिले थे इनसे जिनको गिरफ्तार कर दिया मोहिउद्दीन जी। उसके बाद हम 9:30 बजे सुनते हैं। चलिए, आपकी बात सुन रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त बीजेपी नेता अनिल गुप्ता जी भी हैं। अनिल जी, आप सुन रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं ताज मोहिउद्दीन साहब? देखिए जी, ताज मोहिउद्दीन जी तो बहानेबाजी कर रहे हैं। सवाल यह है कि इनका साथी जो फारूक अब्दुल्ला जब सीनेट के इलेक्शन लड़ रहे थे, तब उन्होंने बोला कि पत्थरबाज जो है वो नेशनलिस्ट हैं, तब भी कांग्रेस चुप रही। और आज तो कांग्रेस का मुखौटा सामने आ गया है, जबकि उनके नेता शरेआम उस डेमोक्रेसी जिसके जरिए ये 60 साल तक हिंदुस्तान पे रूल करते रहे, उसी के मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। तो ये जवाब तो जनता को देना होगा कांग्रेस के नेताओं को कि ये अलगाववादी के साथ है या जमुने के साथ है। ये लोग दो बोर्ड पॉलिटिक्स के लिए दोहरी नीति अपनाते हैं, जनता को गुमराह करते हैं और अब ये ब्लेम जो है पीडीपी के ऊपर कर रहे हैं। सारा करा कराया इनका है। इलेक्शन के पहले पीडीपी ने कहा था कि अभी पहले पंचायत इलेक्शन का ये बाद में पार्लियामेंट्री इलेक्शन का ये, लेकिन एनसी कांग्रेस इंसिस्ट किया कि पहले पार्लियामेंट्री इलेक्शन का ये, और अब ये कहते हैं कि हमने कहा था कि लॉ एंड ऑर्डर देख लीजिए। ये सब बहानेबाजी कर रहे हैं। हमने तो कहा था इलेक्शन मत करवाइए और रिकॉर्ड में है, वी हैव गिवन दिस राइटिंग, और आप हमें कह रहे हो कि पीडीपी, हमने 12 साल हुकूमत की, मुफ्ती साहब से भी की, हम पिछले इलेक्शन में 2014 का हमारी सरकार में इलेक्शन हुआ। मोहिउद्दीन साहब, आपको नहीं लगता कि आपको माफी मांगनी चाहिए? ये गलती हुई है आपसे क्या? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर एक तरफ है, लेकिन हिंदुस्तान की जमहूरियत को मुर्दाबाद कैसे कहा जा सकता है? ये जवाब तो इनको देना होगा। जमहूरियत को ये अभी तक इन्होंने सरकार का हिस्सा रहे हैं, तो हिंदुस्तान की जमहूरियत का कॉन्स्टिट्यूशन की ओथ लेते रहे हैं, और अब ये कहते हैं जमहूरियत मुर्दाबाद।
और आप फिर भी ये कहें कि नहीं साहब डेमोक्रेसी है, आपको जेल भी जाना पड़ेगा, आपको मार भी पड़ेगी, लोगों को पकड़ पकड़ भी करनी। मोहिउद्दीन आप इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते अपने एक्शंस को, और इस तरह से लोकतंत्र के खिलाफ ये नारेबाजी बिल्कुल भी शोभा नहीं देती है किसी भी राजनीतिक दल को। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए।